साउदी में अर्जुन और उसकी टीम सांची के साथ एक होटल में गए और बाकी के टीम मेंबर जो घायल थे उन्हें सांची ने हॉस्पिटल भिजवाया। सांची से अर्जुन को पता चला कि उसे मदद शेरगिल अंकल ने नहीं भेजी थी, लेकिन इसके आगे सांची ने कुछ नहीं बताया था। बस उसने इतना ही बताया कि उसने ये सब मिलिट्री में मेरिट पाने के लिए और अपने देश से मुस्तफा का नाम मिटाने के लिए किया था। लेकिन अर्जुन को इस बात का अंदाजा लगाते देर नहीं लगी थी कि उसकी जान उस लड़की ने ही बचाई थी, क्योंकि उसके पूछने के बावजूद सांची ने सिर्फ इतना ही कहा कि वो लेडी अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती। इसका मतलब साफ था कि वो मिलिट्री से नहीं थी। अर्जुन और उसकी टीम देर रात 3 बजे तक इंडिया वापस पहुंचे। उसने इंडिया लैंड करते ही सबसे पहले अपना फोन ऑन किया, शेरगिल अंकल को कॉल करके सब कुछ इन्फॉर्म किया। उसे यह भी पता चला कि इंडिया में जगह जगह मुस्तफा के अड्डों पर रेड पड़ रही है। बाकी की इन्फॉर्मेशन शेरगिल अंकल ने उससे मिलने के बाद शेयर करने को कहा था। वो काफी बिजी लग रहे थे। अर्जुन का फोन अभी ऑन हुआ था, इसलिए राहुल का भेजा वीडियो मैसेज उसे अभी मिला। उसने जब वो वीडियो देखा तो हैरानी से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सिल्वर गैंग के लीडर की वो वॉच राहुल के पास फेंकने के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग दोबारा ऑन हो गई थी, जो बेहोश होने के पहले राहुल ने उसे सेंड कर दी थी। उस वीडियो में वो क्वीन ऑफ स्पेड्स को देख सकता था और उसने क्वीन ऑफ स्पेड्स के सिल्वर गैंग के लीडर से किए गए सवाल भी सुन लिए थे। उसे वो फिगर देखते देर नहीं लगी कि क्वीन ऑफ स्पेड्स वही थी जिसने उसे आज बचाया था। लेकिन क्वीन ऑफ स्पेड्स उसकी मदद क्यों कर रही थी और उसने राहुल को क्यों बचाया? ऐसे कई सारे सवाल उसके मन में उठ रहे थे और न जाने क्यों उसे क्वीन ऑफ स्पेड्स और अनुष्का की प्रोफाइल एक दूसरे के सिमिलर नजर आ रही थी। उसके मन में एक सवाल उठा जिसने उसे हिला कर रख दिया, कहीं अनुष्का ही तो क्वीन ऑफ स्पेड्स थी। ये सोचते ही उसने पहले अनुष्का को कॉन्टैक्ट करने का सोचा और जान पूछ कर अनुष्का के फोन के बजाय फ्लैट के लैंडलाइन पर कॉल किया। 4 बजने के बाद जब वो फोन रखने वाला था तब अचानक दूसरी तरफ से फोन पर कुछ हलचल हुई। अर्जुन ने रियलाइज किया कि दूसरी तरफ से फोन उठा लिया गया, लेकिन अनुष्का शायद ठीक से फोन पकड़ नहीं पाई थी, इसलिए उसे तुरंत फोन गिरने की आवाज सुनाई थी। एक सरप्राइज आवाज आई। वैसे वो अनुष्का को देख नहीं सकता था, लेकिन अर्जुन इमेजिन कर सकता था कि अपनी क्यूट फियांसे का कंफ्यूज्ड फेस, उसकी बंद आंखें और बिखरे हुए बाल। अनुष्का, अर्जुन ने धीमी सी आवाज में कहा, लेकिन अनुष्का ने फिर भी सुन लिया था। उसका आलस और कंफ्यूजन अब चला गया था और उसने एक्साइटमेंट से कहा, अर्जुन। उसकी ऐसे जॉयफुल आवाज सुनकर अर्जुन के सीरियस फेस पर एक सुंदर सी मुस्कान आ गई। अर्जुन ने सॉफ्टली कहा, सॉरी मैंने तुम्हारी नींद खराब करी। अनुष्का ने एक्साइटेड होकर जवाब में कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, ये सब छोड़ो, अर्जुन तुम इस टाइम कॉल कैसे कर रहे हो? क्या तुम्हारा मिशन अच्छा था? क्या वो खतरनाक था? तुम इस टाइम तक सोए क्यों नहीं? अनुष्का के इतने सारे सवालों से अर्जुन हंस पड़ा। मिशन बहुत अच्छा रहा, कोई खतरा नहीं था, सब ठीक से हुआ और अब मैं वापस तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अनुष्का ने हैरानी का नाटक करते हुए जोर से खुश होकर कहा, सच? हाँ माय लव। अनुष्का ने कंसर्न से आगे कहा, क्या तुमने कुछ खाया? तुमने खाओगे तुम, मैं तुम्हारे लिए मैगी खरीद के ले आऊं। अर्जुन को समझ में नहीं आया कि वो हंसे या रोए। इतनी रात अनुष्का कहाँ मैगी लेने जाएगी? अर्जुन को पता था कि अनुष्का को खाना बनाना नहीं आता, पर वो खुश था कि वो इस टाइम पर भी उसके लिए मैगी लेने जा सकती थी। इट्स ओके अनुष्का, मैं आज दूसरी कंट्री गया था, अभी वापस आ रहा हूँ। अभी मुझे मिलिट्री बेस पर जाना है तो मैं आज नहीं आ पाऊंगा। मैं ठीक से आराम नहीं कर पाया हूँ और मैं सोच रहा था कि तुम चिंता कर रही होंगी, इसलिए तुम्हें कॉल कर लिया। अनुष्का ने पूछा, तो तुम कब तक मिलिट्री बेस से फ्री हो पाओगे? लगभग 1 घंटे में। तो तुम जल्दी से सो जाओ, तुम्हें बहुत काम भी होंगे ना, रेस्ट करना चाहिए तुम्हें। अर्जुन ने सॉफ्टली कहा, ठीक है तो मैं तुम्हें कल मिलिट्री बेस से मिलने आऊंगी, ओके बाय। अर्जुन ने कॉल रखा लेकिन वो अपनी धीमी मुस्कान रोक नहीं पा रहा था। अनुष्का से बात होने के बाद अर्जुन ने मन ही मन राहत की सांस ली और सोचा, मैं बेकार ही कुछ ज्यादा सोच रहा था, अनुष्का तो लेजी कैट की तरह घर पर आराम से सो रही थी। अनुष्का और क्वीन ऑफ स्पेड्स एक कैसे हो सकती है? लेकिन अर्जुन को हेलीकॉप्टर पर खड़ी उस लड़की के बारे में सोचना था। तब तक उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। क्या मैं उसे जानता हूँ? मुझे उस लड़की से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? ये सोचकर वो मन ही मन खुद को गालियां देने लगा। वो अनुष्का के अलावा किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकता है? वो अपनी अनुष्का से बेहद प्यार करता है, फिर उसे इस लड़की से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? लेकिन जल्दी उसने ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया था। मिलिट्री बेस पर अर्जुन पहुंचा तो उसने कुछ सोल्जर्स को हॉस्पिटल ले जाते हुए देखा। अर्जुन तुरंत ही शेरगिल अंकल के कैबिन की तरफ भागा। शेरगिल अंकल ने अर्जुन को सही सलामत देखा तो उनकी जान में जान आई। उन्होंने अर्जुन से कंसर्न से पूछा, अर्जुन कैसे हो तुम? तुम्हें चोट तो नहीं आई? अर्जुन ने अपना सर नाम हिलाया और कहा, अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए लेकिन आप कुछ थके हुए लग रहे हैं। आज आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अंकल इतनी जल्दी आपने एम्पायर के सारे अड्डे कैसे पता किए और रेड करने के लिए आपको सबूत कैसे मिले? शेरगिल अंकल ने उसकी तरफ गंभीरता से देख कर कहा, आओ यहाँ देखो। ऐसा कहने के बाद शेरगिल सिंह अर्जुन को अपने डेस्क पर ले गए, कंप्यूटर चालू किया और फिर अपना मेल बॉक्स खोला। जब अर्जुन ने शेरगिल सिंह के मेल बॉक्स का रिमाइंडर मैसेज देखा जिसमें काफी सारी डिटेल्स लिखी थी, उसमें एम्पायर के खिलाफ अलग अलग इलीगल व्यापार के अगेंस्ट सबूत भी थे और एग्जैक्ट लोकेशन भी, साथ ही उसमें उस जगह की बिल्डिंग का प्लान तक था। अर्जुन हैरान खड़ा वो मैसेज देखता रहा। क्या उसका अंदाजा सही था? जिस इंसान ने राहुल को बचाया, शेरगिल सिंह को ईमेल भी भेज दिया, सारे हथियारों की लोकेशन भी बता दी और सऊदी जाके उसे मुस्तफा से भी बचा लिया। अनुष्का के अलावा और कौन उसके बारे में इतना कंसर्न होगा? उसका अनुष्का के अलावा किसी दूसरी लड़की से तो कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं था। उसे याद आया कि उस प्लेन में अनुष्का के उसे कोल्डली देखने के पहले वो 100% श्योर था उसे देखकर कि वो अनुष्का ही है और बार बार उसका ध्यान उस लड़की पर जा रहा था। उस लड़की के साथ सब लोग 3S लेवल के इंटरनेशनल कमांडोज थे, जो कि ना सिर्फ स्किल्ड थे बल्कि बहुत इंटेलिजेंट भी थे। ज्यादातर उनमें से बहुत सारी डार्क इंडस्ट्रीज के लीडर थे। ये सोचकर कि अनुष्का भी ऐसी एक इंसान है और अपनी पहचान छुपाने में इतनी माहिर है, तब उसे समझ में आया कि क्वीन ऑफ स्पेड्स और वो स्नाइपर उस हेलीकॉप्टर पर बिना किसी वजह के उसकी मदद क्यों कर रहे थे। ये सब इसी वजह से क्योंकि वो प्लेन वाली लड़की जो अनुष्का की तरह ही लग रही थी और क्वीन ऑफ स्पेड्स जिसने बार बार उसकी मदद की थी, सब एक ही इंसान थे।
वो सब अनुष्का ही थी, उसकी अनुष्का। अर्जुन को सोच में देखकर शेरगिल अंकल ने कहा, कौन हो सकता है, कौन हमें सीक्रेटली मदद कर रहा है? शेरगिल सिंह ने दिन भर इसके बारे में सोचा लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। उन्होंने मिलिट्री हैकर की मदद से उस मेल सेंडर को फाइंड करने की कोशिश भी करी लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा, बल्कि उनके हैकर ने भी उनसे कह दिया था कि जिसने ये मेल भेजा था वो कोई हाई लेवल का हैकर था। अब शेरगिल अंकल को सिर्फ अर्जुन से ही होप थी, शायद वही कोई अंदाजा लगा पाए, इसलिए क्योंकि वो इस इंसान का धन्यवाद करना चाहते थे जिसने उनकी इतनी मदद करी। अर्जुन ने जवाब में कहा, खैर हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कौन है। अर्जुन के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं देखी जा सकती थी। ये जानते हुए भी कि अनुष्का ही क्वीन ऑफ स्पेस है, वो ये नहीं कह सकता था। अनुष्का के पास कुछ तो वजह होगी इन सब के बारे में बात नहीं करने की। उसे 5 साल की उम्र में किडनैप कर लिया गया था और वो 21 साल की उम्र में घर वापस आएगी, लेकिन उसके पास अनबीटेबल स्किल्स हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने अनुष्का में इतने सालों में क्या क्या देखा होगा। अर्जुन ने डिसाइड किया कि भले ही उससे खुद की जान गंवानी पड़े लेकिन वो अपनी अनुष्का को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। ये प्रोटेक्शन सिर्फ फिजिकल प्रोटेक्शन नहीं था बल्कि उसकी पहचान का भी प्रोटेक्शन था और उसका मेंटल प्रोटेक्शन भी था। शेरगिल अंकल ने उसे डिप्टी कमांडर इन चीफ के बारे में भी बताया और उनके खिलाफ उस हैकर के भेजे प्रूफ भी दिखाए। अर्जुन के पहले भी मिस्टर खान और मिस्टर चौहान दोनों पर शक था लेकिन उनके खिलाफ सबूत नहीं थे। अर्जुन इन सारे इवेंट से काफी हैरान परेशान हो गया था। शेरगिल अंकल ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो उन्हें लगा कि अर्जुन शायद थक गया होगा। उन्होंने अर्जुन को घर जाकर आराम करने के लिए कहा। अर्जुन जब तक घर गया तब तक उसके सर में दर्द होने लगा था। जाहिर था कि वो अपनी डिस्कवरी से काफी हैरान परेशान था। हजारों ख्याल उसके दिमाग में उमड़ रहे थे। आखिर में उसने अनुष्का की प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन ली और फिर दवाई के नशे से जल्दी उसे नींद आ गई। इधर अगली सुबह जब अनुष्का की नींद खुली तो वो काफी फ्रेश फील कर रही थी। वो फटाफट रेडी हुई और अपने बैग में अपनी पंक्चर का सामान और कुछ बुक्स पैक कर ली। उसने कैब बुक करी और सीधे मिलिट्री बेस निकल गई। जब तक वो वहां पहुंची तो सुबह के सिर्फ 7 बजे थे। अनुष्का अर्जुन से मिलने में काफी एक्साइटेड फील कर रही थी और नर्वस भी। वो सीधे अर्जुन के फ्लैट पर पहुंची और डोरबेल बजाई। उसे पता था कि अर्जुन तो जल्दी उठ जाता है लेकिन अर्जुन मेडिसिन के कारण अभी तक सो रहा था। डोरबेल की आवाज सुनकर अर्जुन की नींद खुली और वो नींद में बड़बड़ाता हुआ दरवाजे तक आया। उसे लगा कि शायद कोई सोल्जर होगा और वो दरवाजा खोलकर उसे डांटने वाला था कि दरवाजा खुलते ही उसकी नजर उसकी मुस्कुराती हुई प्यारी सी अनुष्का पर पड़ी। अनुष्का ने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और कसकर उसके गले लग गई। अर्जुन को तो जैसे इस वक्त उसका सब कुछ मिल गया था। उसने मुस्कुराकर अनुष्का को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। अपने पैर से उसने फ्लैट का दरवाजा बंद किया और आंखें बंद करके अनुष्का की करीबी को महसूस करने लगा। उसने अनुष्का का चेहरा अपनी उंगली से ऊपर उठाया और उसके होठों पर किस करने लगा। फिर उसने उसके माथे पर किस किया और दोबारा उसे गले से लगा लिया। अनुष्का आज फैसला करके आई थी कि वो सब कुछ अर्जुन को बता देगी लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे शुरू करे। फाइनली अनुष्का ने धीरे से कहा, अर्जुन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अर्जुन ने जब ये सुना तो एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, अनुष्का अभी तुम्हें भूख लगी होगी ना, हम पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर इस बारे में बात करेंगे। अर्जुन अनुष्का से थोड़ा दूर होकर उससे नजरें चुरा रहा था। अनुष्का समझ गई थी कि अर्जुन शायद समझ गया था कि वो कौन है और वो इससे इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता था। इस वक्त सोच रहा था कि वो किसी भी तरह अनुष्का को कन्फेस नहीं करने देगा कि वही क्वीन ऑफ स्पेस है, क्योंकि अनुष्का से पहले वो बहुत प्यार करता था लेकिन वो था तो मिलिट्री ऑफिसर और वो जब तक मिलिट्री में था तब तक वो रूल से बंधा हुआ था। और अगर अनुष्का ने कन्फेस किया तो अर्जुन को अनुष्का को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अनुष्का ने पहले ही देश के लिए अच्छा काम किया था लेकिन उसने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ इलीगल था। अनुष्का ने आगे अर्जुन को इंसिस्ट नहीं किया। उसने डिसाइड कर लिया था कि जब भी अर्जुन उससे उसका सीक्रेट खुद पूछेगा वो उसे सब कुछ सच सच बता देगी। अंबार का खात्मा हो चुका था और अब उसका टारगेट थी बेहरा फैमिली, लेकिन वो उनसे अपने एग्जाम्स के बाद ही निपटने वाली थी। अर्जुन ने फटाफट फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट बनाया और दोनों ने एक दूसरे को अपने हाथ से खिलाया। इसके बाद अर्जुन को मिलिट्री में रिपोर्ट करने जाना था। अर्जुन ने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी और अनुष्का को एक लंबी किस करने के बाद जल्दी लौटने का कहकर वहां से चला गया। अनुष्का अपने साथ अपनी बुक्स लेकर आई थी, इसलिए अर्जुन के जाने के बाद उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ने में लगाया। दोपहर में अर्जुन के आने के बाद दोनों ने मेस में जाकर लंच किया और फिर अर्जुन दोबारा शेरगिल अंकल के पास चला गया। अनुष्का शाम तक पढ़ती रही। शाम को अर्जुन के आने के बाद अर्जुन ने अनुष्का के लिए उसकी फेवरेट डिश कुक करी और फिर डिनर के बाद अनुष्का ने लेंस पहनकर अर्जुन के सर पर मसाज किया और फिर बाद में एक्यूपंक्चर किया। अर्जुन ने एक्यूपंक्चर के बाद अनुष्का को कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे सॉफ्टली किस करने लगा। उस किस में जैसे अर्जुन ने अपने सारे इमोशंस पिरो दिए थे। अनुष्का ने आज उसके लिए बहुत कुछ किया था, यहाँ तक जो सीक्रेट वो छुपा रही थी वो भी उसने उसकी मदद करने के लिए उसके सामने रिवील करने का रिस्क लिया था। अनुष्का का अपने लिए प्यार देखकर अर्जुन का दिल भर आया था। उसने दिल ही दिल ऊपर वाले का शुक्रिया किया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहे। 2 हफ्ते तक अनुष्का का एक ही रूटीन चल रहा था। रोज वो अर्जुन के मिलिट्री वाले घर में पढ़ाई करती और अर्जुन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती। इस दौरान उसने मेहरा फैमिली से कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया था और ना ही उसने मेहरा फैमिली में से किसी का फोन उठाया था। उसे पिछली रात अर्जुन ने बताया था कि उसकी बहन मायरा की वेडिंग डेट फिक्स हो गई है और वो लोग 1 हफ्ते बाद ही शादी करने वाले हैं। अनुष्का समझ नहीं पाई कि मेहरा फैमिली और कपूर फैमिली दोनों इतनी जल्दी में क्यों थे शादी के लिए। खैर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि आज उसका लास्ट एग्जाम था और उसके बाद हर उस इंसान से वो बदला लेने वाली थी जिसने उसे और उसकी मॉम को तकलीफ दी थी। और लोगों ने जब उस पर और उसकी मॉम पर दया नहीं दिखाई तो वो भी उन पर दया नहीं दिखाएगी। इस पूरे टाइम सेलिना और केविन मुस्तफा को ढूंढते रहे लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। उसका पूरा एम्पायर अब तक साफ हो चुका था लेकिन अभी एम्पायर से जुड़े कुछ पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन पकड़ में नहीं आए थे लेकिन पुलिस और मिलिट्री इनकी तलाश में लगी हुई थी और सबूत इकट्ठे कर रही थी। शिखर ने भी उन्हें पकड़कर पनिश कर दिया था जिन्होंने अनुष्का की बनाई मेडिसिन का फॉर्मूला चलाया था। अनुष्का ने अपना बैग उठाया और अर्जुन के साथ गाड़ी में बैठकर कॉलेज की तरफ निकल गई।
रास्ते में अर्जुन कुछ परेशान लग रहा था। अनुष्का दो तीन दिनों से नोटिस कर रही थी कि अर्जुन उससे कुछ कहना चाहता था लेकिन वो कह नहीं पा रहा था। आखिर में अनुष्का ने अर्जुन के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछा, अर्जुन क्या बात है, तुम काफी दिनों से परेशान लग रहे हो। अर्जुन ने एक नजर अनुष्का की तरफ देखा और फिर गहरी सांस लेकर कहा, अनुष्का तुम एग्जाम दे दो अच्छे से, मैं फिर तुमसे बात करूंगा। अनुष्का ने चिंता से अर्जुन की तरफ देखकर कहा, अर्जुन अगर तुम ऐसे कहोगे तो मैं पूरे टाइम यही सोचती रहूंगी कि तुम क्या कहने वाले थे, ऐसे में एग्जाम में मेरा मन कैसे लगेगा। अर्जुन ने अनुष्का की बात के बारे में सोचा। अब तो वो और भी कंफ्यूज हो गया था कि वो अनुष्का से शेयर करे या ना करे। अब तक वो लोग कॉलेज के गेट के सामने भी पहुंच गए थे लेकिन अनुष्का ने गाड़ी से नीचे उतरने से इनकार कर दिया। अर्जुन ने उसे मनाने की कोशिश भी करी लेकिन अनुष्का टस से मस न हुई। आखिर में अर्जुन ने हार मानकर धीरे से कहा, अनुष्का ये तुम्हारी फैमिली के बारे में। उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराते हुए अनुष्का ने अर्जुन की आंखों में देखकर कहा, अगर तुम मेरा फैमिली की बात कर रहे हो ना तो वो मेरा परिवार नहीं है। ये कहकर उसने मन ही मन खुद से कहा, क्योंकि परिवार एक दूसरे के साथ इतना बुरा नहीं करता जितना उन लोगों ने मेरे साथ और मेरी माँ के साथ किया है। अर्जुन ने गौर से अनुष्का की तरफ देखा कि कहीं उसे कोई शिकन नजर आ जाए लेकिन वाकई उसे अनुष्का के चेहरे से कुछ समझ नहीं आया। ये देखकर अर्जुन को और भी दुख हुआ था कि आखिर मेरा परिवार ने अनुष्का के साथ ऐसा क्या किया है कि अनुष्का उनसे इतनी नफरत करती है। अर्जुन ने अनुष्का की तरफ देखकर कहा, अनुष्का एम्पायर के साथ जुड़े हुए लोगों में से तुम्हारे डैड मिस्टर मेहरा का नाम भी सामने आया, हालांकि अभी हमें उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला लेकिन इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे समझ। अर्जुन इससे पहले कि आगे कुछ कहता अनुष्का ने उससे सॉफ्टली कहा, अर्जुन जो तुम्हारा कर्तव्य है तुम उसे जरूर पूरा करो और वैसे भी मैं आज मेरा फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ने वाली हूँ, उनके साथ क्या होता है ये उनके कर्माज होंगे और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी ड्यूटी निभाओगे तो मैं अपने परिवार के लिए तुमसे दूर चली जाऊंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। और देखो इस बात के लिए तुम दो दिन से परेशान हो रहे थे, मुझे ऐसे ही बता देते। चलो अब मैं जा रही हूँ वरना एग्जाम का टाइम हो जाएगा, तुम मेरे बताना क्योंकि मैं खुद ही मिलिट्री बेस आ जाऊंगी, क्योंकि एग्जाम के बाद मैं कुछ देर दिशा और पलवी से भी तो मिलूंगी ना। अर्जुन ने अनुष्का को ऑल द बेस्ट विश किया और अनुष्का उसे बाय कहकर क्लास में चली गई। एग्जाम खत्म होने के बाद वो बाहर दिशा और पलवी का वेट ही कर रही थी कि उसके सामने मायरा आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एरोगेंस साफ साफ नजर आ रहा था। मायरा ने अनुष्का से कहा, अनुष्का एक हफ्ते में मेरी वेडिंग है और डैड ने तुम्हें घर आने को कहा है, तुम हमें से किसी का कॉल भी नहीं उठा रही हो, क्या तुम्हारे अंदर जरा सी भी जिम्मेदारी नाम की चीज नहीं है। अनुष्का ने एक आईब्रो चढ़ाकर उसकी तरफ देखा फिर बड़े ही आराम से कहा, मिस मायरा मेहरा तुम आज शादी करो या एक हफ्ते बाद, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है और हाँ जाकर अपने डैड और मॉम से कह देना कि जिन्होंने मेरी माँ को मारा हो ना उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये कहकर अनुष्का मायरा को इग्नोर करके वहां से निकल गई। अनुष्का की बात सुनकर मायरा भी एक पल के लिए तंग रह गई थी। अनुष्का ने कहा, जिसने मेरी माँ को मारा हो इसका मतलब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वैसे मॉम ने मुझे बताया था कि अनुष्का उनकी सगी बेटी नहीं है और लोगों के सामने मुझे उनकी सौतेली बेटी बनकर रहना पड़ेगा, तो क्या अनुष्का सच कह रही थी। अनुष्का बाहर आकर दिशा और पल्लवी से मिली, उसने अविनाश को भी कॉल किया लेकिन अविनाश ने साथ चलने से मना कर दिया क्योंकि उसने एग्जाम्स के बाद सलीना के साथ वीडियो गेम्स खेलने के लिए प्रॉमिस किया था। कुछ दिनों पहले जब अनुष्का की सलीना से बात हुई थी तब सलीना ने उसे बताया था कि वो अविनाश को पसंद करने लगी थी और सलीना को यह भी पता था कि अविनाश पहले अनुष्का को पसंद करता था लेकिन सलीना को इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उसका तो कहना था कि उसकी अनुष्का को तो कोई भी पसंद कर सकता है और उसने अनुष्का से कॉन्फिडेंटली ये भी कहा था कि वो अविनाश के दिल में अपनी जगह बना कर रहेगी। अविनाश की बात सुनकर अनुष्का को लगा कि सलीना और अविनाश को ज्यादा वक्त बिताना चाहिए, इसलिए वो दिशा और पल्लवी के साथ ही लंच के लिए निकल गई। लंच के बाद तीनों मूवी देखने गई और फिर शॉपिंग करने। अनुष्का शॉपिंग कर ही रही थी कि तभी केविन का कॉल आया। अनुष्का ने थोड़ा अलग जाकर केविन से बात करी, हेलो, दूसरी तरफ से केविन की सीरियस आवाज आई, बॉस मैंने ऑप्शन का सारा इंतजाम कर दिया और 8 दिन बाद की बुकिंग कर दी है, इनविटेशन रेडी हो चुके हैं, आपके लिए डिजाइनर ड्रेस का भी ऑर्डर दे दिया है, वैसे ड्रेस सीना ने चूज करी है इसलिए मुझसे कुछ मत कहना, बस आप बताओ कि आप श्योर हो सब करने के लिए। जवाब में अनुष्का ने कहा, यस केविन आई एम श्योर, ये ऑप्शन पार्टी सबके लिए यादगार रहने वाली है। अनुष्का ने जेल से लौटने के बाद खुद को मिले महंगे एंटीक पीस ऑक्शन में देने के लिए डिसाइड किया था और उससे मिले पैसों को वो मिलिट्री को डोनेट करने वाली थी लेकिन अभी तक ऐसा करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था और अब उसका अपना प्रॉमिस पूरा करने का वक्त आ गया था। अनुष्का ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर दिशा और पल्लवी के साथ शॉपिंग करने लगी। उसने अर्जुन के लिए भी कुछ गिफ्ट लिए और फिर शेरगिल अंकल और अर्जुन के दादाजी के लिए भी। अर्जुन ने उसे बताया था कि उसके दादाजी कुछ दिनों बाद उसे मिलने आने वाले हैं। तीनों को टफली करते हुए काफी देर हो चुकी थी। अनुष्का ने अर्जुन को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था कि वो निकल रही है। दिशा और पल्लवी भी हॉस्टल निकल गई थी। अनुष्का कैब में बैठी और ड्राइवर को मिलिट्री बेस चलने को कहा। थोड़ी ही देर में अनुष्का को एक अजीब सी स्मेल आई और फिर उसकी नजर रियरव्यू मिरर से ड्राइवर पर पड़ी जो उसी की तरफ एक इविल स्माइल लिए मिरर से उसे देख रहा था, तो उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। उसे अफसोस हो रहा था कि इस वक्त उसने कितनी बड़ी नासमझी कर दी, ऐसे तो हमेशा चौकन्नी रहती थी लेकिन आज उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के पास जाने को था। गाड़ी से आ रही वो स्मेल एक ट्रक की थी जिसे सूंघते ही अनुष्का के होश जाने लगे थे और उसकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था। इस वक्त वो एक उंगली भी नहीं हिला सकती थी और जल्दी बेहोशी में उसकी आंखें बंद हो गई और वह अंधेरे में खो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक पिंजरे में पाया जहां पर बहुत ही मध्यम रोशनी थी। उसे याद आया कि यहाँ आने से पहले वो कैब में थी, उसे पता नहीं था कि उसे यहाँ आए कितनी देर हो चुकी थी। पूरा कमरा चारों तरफ से बंद था और वो ऊपर सीलिंग से लटके पिंजरे के अंदर थी जो फर्श से कुछ दूरी पर लटका हुआ था। उसकी सलाखें काफी मोटी थी। अनुष्का ने चारों तरफ देखा तो पूरा कमरा खाली था। उसकी बड़ी बड़ी दीवारों पर एक भी खिड़की नहीं थी। कमरे के चारों कोनों में कैमराज लगे हुए थे और वहां सिर्फ एक दरवाजा था जो उसकी पहुंच से काफी दूर था। उसके पास उसका फोन, घड़ी, चेन, अंगूठी कुछ भी नहीं था लेकिन फिर भी वो एकदम शांत थी। वो आराम से वहां बैठी रही। तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। अनुष्का ने दरवाजे पर नजर टिकाए रखी थी। दरवाजा खुलते ही उसकी नजरों के सामने एक 40 के लगभग की उम्र का आदमी था जिसने उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी थी।
और जिसे ढूंढ कर जान से मारने के लिए उसने और उसकी टीम ने दिन रात देख कर लिए थे। मुस्तफा, हाँ वो मुस्तफा ही था जिसे ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने अनुष्का को किडनैप करके बेचा था। अनुष्का ने अपनी जिंदगी के 10 साल इस आदमी के लिए काम करते गुजारे थे। छोटी सी अनुष्का जिसे कोई समझ नहीं थी और अनुष्का जैसे कितने बच्चों को इस आदमी ने टॉर्चर करके ट्रेन किया था। उस वक्त अनुष्का हर दिन बच्चों की लाशें देखती थी जो टॉर्चर से मर गए थे। किसी तरह अनुष्का कुछ बच्चे बच गए थे और फिर शुरू हुई थी गुलामी की जिंदगी। एक दिन मौका मिलते ही अनुष्का शेखर, नेहा, दीदी सलीना और पीयूष के साथ वहां से भाग गई और उन्होंने एक दूसरे की बॉडी को चाकू से काट कर उसका ट्रैकर भी निकाल दिया था। फिर वो लोग अलग अलग होकर छिपे रहे जब तक अनुष्का को उसके अडॉप्टिव डैड एडविन नहीं मिल गए। अनुष्का इस आदमी का चेहरा पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती थी जिसने उसे दिन में तो दूर कई रातों तक सपने में भी डराया था। मुस्तफा अनुष्का को देखकर एकदम शांत होकर हंसने लगा। ओ माय लिटिल गर्ल, तुम वापस आ गई ना मेरे पिंजरे में। बताओ कैसा लगा तुम्हें ये पिंजरा? ये पिंजरा मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर तैयार करवाया है। अनुष्का ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे घूरती रही। अनुष्का की आंखों से जैसे आग उगल रही हो। मुस्तफा ने एवर स्माइल के साथ आगे कहा, मुझे पता ही था कि तुम ऐसी ही हो, जिद्दी और अड़ियो। और तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी यही अदा तो पसंद है। जब तुम मुझे मिली थी ना तब बिल्कुल ऐसी थी, बिल्कुल ऐसी तुमने मुझे देखा था। जानती हूँ पहले तुम्हारा सुंदर चेहरा देखकर मैंने तुम्हें प्रोस्टिट्यूशन के लिए देने वाला था, लेकिन ये तुम्हारी गहरी आंखें, इनके अंदर जो चिंगारी थी ना, इसने मुझे रोक दिया। तुम तो मेरा खास हथियार बनने के लिए बनी थी, मैं तुम्हें सिर्फ अपना बनाना चाहता था, इसलिए मैंने खुद तुम्हें ट्रेन किया था। और तुम माय लिटिल गर्ल, तुम मेरे पिंजरे से उड़ गई और अब मुझ पर ही मेरे सिखाए दांव पे चपना रही हो। अब तुम मेरे पास वापस आ गई हो ना तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारा ये गुरूर तिल तिल करके तोड़ूंगा और फिर जब तुम मेरे आगे गिड़गिड़ाओगी तब मैं प्यार से तुम्हारे इस खूबसूरत बदन के मजे लूंगा। अनुष्का को उसकी बातों से घिन आ रही थी, उसने तुरंत ही अपना चेहरा पलट लिया। मुस्तफा उसे देखकर हंसता हुआ वहां से चला गया और फिर शुरू हुआ टॉर्चर। पिंजरे के नीचे का फ्लोर ओपन हुआ और उसके अंदर पानी था। पिंजरा धीरे धीरे नीचे आया और जैसे ही अनुष्का पूरी डूब गई थी उसे बिजली के झटके लगने शुरू हुए। ऐसा हर 15 मिनट में हो रहा था। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक वो दर्द से बेहोश नहीं हो गई और जैसे ही वो होश में आती फिर से ही खेल शुरू हो चुका था और अब तक वो रोशनी भी बंद हो चुकी थी। उस पूरी जगह पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। अनुष्का को पता ही नहीं था कि कितना वक्त बीत चुका था। वो बस मन ही मन वहां से निकलने का प्लान सोच रही थी और इस वक्त अर्जुन पागलों की तरह अनुष्का को ढूंढ रहा था। अनुष्का को गायब हुए पूरा एक दिन गुजर चुका था लेकिन अभी तक उसे अनुष्का का कुछ पता नहीं चला था। उसने दिशा और पवी को भी कॉन्टैक्ट किया था लेकिन वो दोनों भी वहां से पहले निकल गई थी और अनुष्का उनके बाद निकली थी, इसलिए उन्हें भी नहीं पता था कि अनुष्का कहाँ है। राज, यादव, राहुल और अर्जुन की पूरी टीम सब अनुष्का को ढूंढ रहे थे और इस वक्त पीयूष भी अपनी हैकिंग स्किल से अनुष्का की खोज में लगा हुआ था। आखिर में अर्जुन को एक ट्रेस मिल ही गया। उस कैब में जिसमें अनुष्का को किडनैप किया गया था उसमें अर्जुन को एक ड्रग मिला। अनुष्का के किडनैप होने के बाद सलीना ने अर्जुन से कॉन्टैक्ट किया था और फिर सलीना से ही अर्जुन को पता चला था कि ये ड्रग एम्पायर यूज करता था। इसका मतलब साफ था कि मुस्तफा ने अनुष्का को किडनैप किया था। अनुष्का को किडनैप हुए 36 घंटे बीत चुके थे और फाइनली पीयूष को अनुष्का का एक ट्रेस मिला। अनुष्का की बॉडी के अंदर एक ट्रैकर था जो अनुष्का की हेल्थ डाउन होने के बाद ही एक्टिव होने वाला था। ये ट्रैकर मेटल डिटेक्टर से भी नहीं पकड़ा जा सकता था, इसलिए मुस्तफा को इस ट्रैकर के बारे में पता ही नहीं चला। उस ट्रैकर के जरिए उन्हें पता चल गया था कि अनुष्का कहाँ है। पीयूष के न्यूज देने के बाद सलीना ने अर्जुन को भी कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया और फिर उन दोनों की टीम उस लोकेशन के पास पहुंची। वो मुंबई के समंदर के अंदर की लोकेशन थी, मतलब कोई जहाज या कोई पनडुब्बी। सलीना, पीयूष और केविन काफी घबराए हुए थे क्योंकि ट्रैकर ऑन होने से उन्हें ये तो पता चल गया था कि अनुष्का की हालत जरूर काफी खराब हो चुकी होगी।